सदान संग सहेलिया, सदान राजा देश, सदान जुग में जीवना, सदान काला केश, सदान फूले केत की, सदान सावन होए, सदान विपदा रह सके, सदान सुख भी कोय, सदान मौज बसंतरी, सदान ग्रीष्म भान, सदान जोवन थिर रहे, सदान संपत मान, सदान काहू की रही, गल प्रीतम की मां, ढलते ढलते ढल गई तरवर की सी छा। सबने बचपना आते देखा, बचपना जाते देखा, सबने जवानी आते देखी, सबने जवानी जाते देखी, सबने बुढ़ापा आते हुए देखा, लेकिन किसी ने बुढ़ापा जाते हुए नहीं देखा। वो बुढ़ापा व्यक्ति को लेकर के ही देखिए। समझने के लिए कहते हैं ना, समझदार व्यक्ति को इशारा ही काफी है। तो ये सत्संग अपने जीवन के जुड़े हुए सत्य से अवगत कराने का केवल इशारा मात्र है, बाकी भगवान जानते हैं सब लोग बुद्धिजीवी है कि नहीं। तो भगवान ने मनुष्य रचना की है ना, ये सर्वश्रेष्ठ रचना है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? मनुष्य है। तो उसके अंदर विवेक है, बुद्धि है, सारा सामर्थ्य है, चंद्रमा तक पहुंच गए है कि नहीं। तो विवेक तो दिया तभी तो भगवान कह रहे हैं चंद्रमा तक पहुंच गए, अच्छी बात है, लेकिन धरती पे भी जीना आना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। अब सदा न संग सहे लिया, मित्र मंडल एक जैसा नहीं रहता, सदा जीवन में बदलते रहते हैं। सदा न राजा देश, राजा भी एक सा नहीं रहता, राजा भी बदलते हैं, देश की भौगोलिक स्थिति भी बदलती है। सदा न जुग में जीवना, सदा न जीने की कोई गारंटी वारंटी नहीं है लंबे समय तक, ये क्षणभंगुर जीवन है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलया चल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नरम से चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली नहीं। सदा न जुग में जीवना, सदा न काला केश, ये सफेद बाल होते हैं ना तो ये संकेत करते हैं कि अब अवस्थाएं धीरे धीरे, अब त्यागो, जितना मोह त्याग सकते हो त्यागो। फिर कहा सदा न फूले केतकी, केतकी का पुष्प भी सदा पुष्पित नहीं रहता। सदा न सावन होए, 12 महीने के क्रम के बाद में सावन आता है। फिर कहा सदा न विपदा रह सके, हमेशा विपदा ही रहे ऐसा भी नहीं है, सुख और दुख दोनों पहलू है, सुख आएगा दुख आएगा, सुख आएगा दुख आएगा, सदा सुख भी नहीं रहेगा, सदा दुख भी नहीं रहेगा। सदा न विपदा रह सके, सदा न सुख भी कोई। फिर कहा सदा न मौज बसंतरी, बसंत ऋतु जैसे खुशी का आगमन होता है वैसे जीवन में भी कई व्यक्तियों के खुशियों के पल आते हैं, वो भी सदा नहीं रहते। सदा न ग्रीष्म भान, सदा न ग्रीष्म ऋतु भी सदा नहीं रहती। और फिर कहा सदा न जौवन थिर रहे, हम सोचे कि हम जवान ही रहे तो ये असंभव है। और सदा न संपत मान, हमेशा संपत्ति एक सी बनी रहे ये भी कोई गारंटी नहीं है। सदा न काहू की रही, जैसा हम सोचते वैसा हमेशा होता नहीं है। गल प्रीतम की बा, कि हमारा प्रीतम हमसे कभी बिछड़ेगा नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है, ये ध्रुव सत्य है, क्योंकि जातसी ही ध्रुवो मृत्यु। ढलते ढलते ढल गई तरवर की सी छा, जैसे पेड़ की छाव आगे पीछे होती रहती है सूर्य के हिसाब से, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी ये सुख दुख रूपी छाव इधर उधर होती रहती है। इस मर्म को समझे, इस भजन के माध्यम से अपने जीवन को एक ट्रेन की यात्रा के रूप में बताया है, और जैसे ट्रेन में व्यक्ति सफर करता है बॉम्बे तक, बेंगलोर तक, मद्रास तक, जिसका स्टेशन जहां आता है वो वहां उतर जाता है,
तो उसी आधार पर अपने जीवन पर ये इंप्लीमेंट किया हुआ भजन है। आप यदि गंभीरता से सुनेंगे तो ये भजन पूरा पूरा एक भजन ही आपके लिए हाँ बहुत सारगर्भित सिद्ध होगा। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है। ये जीवन इस भजन में केवल आपको इतना ही करना है, अपने मनुष्य जीवन को ट्रेन बना लो 5 मिनट के लिए, कहीं एक ट्रेन की यात्रा है, फिर देखो ये भजन आपको कैसे समझ में आता है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी बोलो भक्तवत्सल भगवान की, दीन बंधु दीनानाथ की। यात्रा करनी हो तो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं? अरे भाई 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले क्या करवाते हैं? रिजर्वेशन। और किसी को बेंगलोर जाना है तो वो वहां तक की टिकट लेता है, किसी को पुणे जाना है तो वो वहां तक की टिकट लेता है। हमारे इस नर्तन में भी आयु का रिजर्वेशन है। किसका रिजर्वेशन है? जैसे ट्रेन में स्टेशन का रिजर्वेशन होता है, वैसे के वैसे इस जीवन में भी आयु का, कि कौन 65 तक जाएगा, कौन 70 तक जाएगा, कौन 80 तक जाएगा। नर्तन की ट्रेन में, नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन। अहंकार सीट है डिब्बा ही है मन, अहंकार सीट है डिब्बा ही है मन। जब हम बैठते हैं ना, हमारी टिकट कंफर्म है, लेकिन तब भी B2 में जाकर के कोई व्यक्ति ऐसे ही बैठा है, हमारे नहीं आने तक वो उस सीट पे बैठा है, आप जाते तुरंत कहते हो भाई 65 मेरी, कहते हो कि नहीं 70 मेरी है। अपनी सीट के ऊपर ऐसा अधिकार जमाते हैं, लेकिन वो कहां तक है? टेम्परेरी है। इसलिए जीवन में भी आप अभिमान मत करिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम अगले क्षण क्या होने वाला है। अहंकार सीट है, ये अहंकार रूपी सीट है। इसमें नर्तन में क्या है? अहंकार रूपी सीट है, और डिब्बा ही है मन। हमारा मन जो है डिब्बा है, कोच है। नर्तन की ट्रेन में, अब मैं बता दूं, इस भजन को आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ में आने वाला नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, अहंकार सीट है डिब्बा ही है मन। तेजी से रफ्तार चली जा रही है, ये तेजी से रफ्तार चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी आपको एक जानकारी दे दें, ये हमारे जो ऑर्गन वाले भैया है ना, ये राजस्थान के टॉपर ऑर्गन वाले, सबसे टॉप, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। हाँ
ऑर्गन में इनका कोई मुकाबला नहीं है। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से डंके की चोट कहता हूँ। इनके जोड़ का कोई राजस्थान में ऑर्गन वाला हो तो मेरे से संपर्क करवा देना। सबसे पहले देखा, सबसे पहले देखा था बचपन का टेंशन, सबसे पहले देखा था बचपन का टेंशन, मिला बाद में भी जवानी का जंक्शन, मिला बाद में भी जवानी का जंक्शन। अब देखिए स्टेशन में और जंक्शन में फर्क होता है। स्टेशन का मतलब होता है दिल्ली से आएगी गाड़ी और अहमदाबाद जाएगी, एक जगह से आएगी और दूसरी जगह जाएगी, और जंक्शन का मतलब होता है बहुत सब जगह से गाड़ियां आएगी और बहुत जगह पे जाएगी। बचपन में व्यक्ति इतना समझदार नहीं होता, स्टेशन जितना ही दिमाग होता है, लेकिन जवानी में वो किसी के बस में नहीं रहता, बहुत सारे दिमाग उसके डाइवर्ट होता है। तो मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन, ये कहा। सबसे पहले देखा था बचपन का टेंशन, मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन, मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन। मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, दुनिया भर के ख्वाब कब संजोता है। जवानी में, वो जवानी में ऐसा हो जाता है व्यक्ति बेलगाम, उसको ऐसा भ्रम होने लगता है कि सारी दुनिया को मैंने ही थाम रखा है, सारी दुनिया को मैंने ही थाम रखा है। शरीर हमारा रथ है, मन हमारा सारथी, अरे कर्म हमारे अच्छे हो तो दुनिया करेगी आरती। सबसे पहले देखा था बचपन का टेंशन, मिला बाद में भी जवानी का जंक्शन, मिला बाद में भी जवानी का जंक्शन। बुढ़ापे से आगे, बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अच्छा ये बताइए, अहमदाबाद से जस्ट पहले कौन सा स्टेशन आता है? बड़ा स्टेशन कोई ऐसे बता दीजिए भाई, मुझे जानकारी नहीं, कौन सा आता है, कौन सा आता है? आबू रोड, मेहसाणा। तो जब अहमदाबाद जिसको उतरना होना है तो वो मेहसाणा से वाइंड अप करना शुरू हो जाता है। अब 65-70 भगवान की कृपा से हो जाए ना तो आप भी सचेत हो जाओ कि मेहसाणा आ गया है। हाँ, और उस समय जो सचेत नहीं होता है तो फिर अहमदाबाद आ जाता है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और दिन रात पटरी पे, ट्रेन का काम है चलना, इस कुटिया का नित्य किराया, ये शरीर भी एक कुटिया है और इसका नित्य किराया है, इस कुटिया का नित्य किराया, ये श्वास चुकाने वाली जमाने भर से काया कुटिया निराली, ये श्वासों का भाड़ा देना पड़ता है। कितनी श्वास हम लेंगे और कितनी श्वास हम त्यागेंगे उसकी गणना है, आयु का कैलकुलेशन वैसे नहीं है वर्षों में, वहां पे तो ये व्यक्ति कितनी श्वासें लेगा, भगवान की कृपा है तो जो श्वास
वो चलती है तब तक चलती है, और जब समय पूरा हुआ तो जो श्वास भीतर गई वो बाहर आने वाली नहीं है, या जो बाहर है वो भीतर जाने वाली नहीं है। इसलिए कहा श्वास श्वास में नाम रट, वृथा श्वास मन खोय। श्वास श्वास में नाम रट, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास को आवन होय ना। दिन रात पटरी ये दौड़ती है, मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती है, मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती है। रस्ते के सब दृश्य दिखला रही है, एसी टूटी है, स्लीपर क्लास एसी फर्स्ट में बैठे हुए हम कांच में से निहारते हैं, कहीं हरी घास दिखाई देती है, कहीं खजूर दिखाई देते हैं, कहीं रेगिस्तान दिखाई देता है, तो नाना प्रकार के दृश्य दिखते हैं। इससे ये संकेत समझना चाहिए कि हमारे जीवन में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। लाइफ इज एन एंडलेस स्ट्रगल, जीवन कभी न समाप्त होने वाला संघर्ष है। हमारी मारवाड़ी में कहते हैं जीवना जीते जीवना, तो जब तक जीना है तब तक सीना है, ये ध्यान रखना। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती है, मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती है। रस्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, रस्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। भक्तवत्सल भगवान की ट्रेन से जब उतरने लगते हैं तो जिस व्यक्ति से हमने लड़ाई की होती है कि भाई मेरी सीट है हट जा, उसी से हाथ मिलाते हैं कि भाई अहमदाबाद आओ तो उस मार्केट में अपनी शॉप है, कभी आओ तो मिलना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो जिससे पहले विरोध हुआ उससे फिर बाद में क्या हो गई, मित्रता हो गई। इसलिए तुरंत बैठते किसी के ऊपर क्रोध मत करिए, अरे आपकी रिजर्वेशन सीट है तो कोई लेने वाला नहीं है, आप बिना रिजर्वेशन के बैठे हो तो कोई खतरा है, रिजर्वेशन पे बैठे हो तो आप नहीं तो टीटी हटवा देगा उसको, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो जीवन की गाड़ी में भी किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है, हमने कोई ठेका लाइन नहीं ले रखा है, जिसको सुनना होगा जिसको समझना होगा वो समझ लेगा। सत्संग सरिता है, हमने कहा ना स्टार्टिंग में सत्संग सरिता बहती रही है बहती रही है, जिसके अंदर पात्रता होगी वो सीख लेगा। सीख सियासु उपजे ने दिया लागे दाम, ये मारवाड़ी में कहावत है। तो जिसको समझना होगा वो समझेगा ही, और जिसको नहीं समझना वो किसी भी सूरत में समझने वाला नहीं। इसलिए छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। अपना स्टेशन आएगा तो अपने कोई उतरना पड़ेगा, कोई साथ में उतरने वाला नहीं है। करनी धरनी आपकी ना माई की ना बाप की, छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद
उतरना अकेला। और मृत्यु के पहले यदि मृत्यु के रहस्य को समझ ले तो मृत्यु भी उत्सव बन जाती है, और मृत्यु से पहले यदि हम मृत्यु के रहस्य को न समझे तो फिर दुख होता है। फिर क्या होता है कि छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, तबीयत बहुत उतरने की मंजिल करीब आ रही है, तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बोलो दीन बंधु दीनानाथ की। भक्तवत्सल भगवान की, दीन बंधु दीनानाथ की।